खबर अमरोहा से है, जहां हाईवे टोल प्लाजा के निकट जोया ब्लॉक के गांव जमापुर के सेवा निकेतन आश्रम में हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्गों को बच्चों द्वारा शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया, जो अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम किया गया, क्योंकि बुजुर्ग ही होते हैं जो हमें पुरानी पीढ़ियों के अनुभवों से हमें रूबरू कराते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीष्म आर्य ने कहा कि हमारे बुजुर्ग समाज व परिवार की नींव होते हैं, जो अपनी पुरानी पीढ़ियों, परंपराओं व अपने पूर्वजों के अनुभवों से परिवार को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने बच्चों से अपने बुजुर्गों को अधिक समय देने, उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऐसे कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है। कार्यक्रम के संयोजक सचिन कुमार ने कहा, हमारे बुजुर्ग हमारे जीवन में अनमोल होते हैं, उनकी उपस्थिति से परिवार को एक मजबूत एवं स्थिर आधार मिलता है, उनके योगदान से परिवार का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भावनात्मक ढांचा मजबूत बना रहता है। दीपा चौधरी ने कहा, परिवार में बड़े बुजुर्ग ईश्वर का रूप होते हैं, हमें सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्गों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सही एवं गलत सीख तथा जीवन के विभिन्न चुनौतियों से सामना करने का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मूलचंद सिंह एवं संचालन सचिन कुमार ने किया। सामाजिक एवं सकारात्मक संदेश वाले इस कार्यक्रम की सभी ने प्रशंसा की। इस अवसर पर कृपाल सिंह, खजान सिंह, अजब सिंह, जयपाल सिंह, गजेंद्र सिंह, रणवीर सिंह, श्रीमती सोमवती, गंगा देवी, ओमवती, सर्वेश, शिवानी, सरोज, बाला, पुष्पा, गंगो देवी, सावित्री आदि को सम्मानित किया गया। ये आज जमापुर जो सेवा निकेतन आश्रम में आज क्या कार्यक्रम हुआ? ये जमापुर जनपद अमरोहा के सेवा निकेतन आश्रम में जो कार्यक्रम हुआ, वृद्धों को सम्मानित किया गया इसमें, और छोटे बच्चों के द्वारा सम्मानित कराया गया। परिवार नाम की हमारी संस्था जो कमजोर हो गई है, उसे मजबूत करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया, और इसमें जो है वहाँ के युवकों का बहुत योगदान रहा, और सचिन जो थे उन्होंने बड़ा इसमें अच्छा रोल निभाया है। तो हम तो ये अपेक्षा करते हैं, अगर परिवार को अच्छी स्थिति में रखना है, वृद्धाश्रम से अपने वृद्धों को दूर रखना है, वृद्ध का अर्थ ही होता है कि जो ज्ञान और अनुभव में बढ़ गए हैं, समाज को, राष्ट्र को दिशा दे सकते हैं, ऐसे वृद्धों की सेवा हमें करनी चाहिए। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये बड़ा सराहनीय प्रयास है, और ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए। छोटी सी कोई चीज़ छोटी से ही बड़ी होती है, और ये सचिन का बहुत अच्छा प्रयास है, और हम इसकी सराहना करते हैं। जैसे बुजुर्गों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए ये संगठित करके और बच्चों को सिखाने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ साहब, सभी आदमी मान सकते हैं।